गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई होप कि आप लोग सब म्यूट पे हो। सो लाइक आशा करती हूँ कि आप हर कोई लाइक घर में हो, सेफ हो, खुश हो और पॉजिटिव हो, राइट? तो जैसे कि ऑलरेडी मेरे बारे में दीपांशी ने बहुत ही सुंदर से बताया है, मेरा नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी बसुमतारी। सो मैं एज एरिया सेल्स मैनेजर नॉर्थ ईस्ट फॉर ब्यूटी एंड मेकअप ज्वाइन की हूँ लास्ट 6 मार्च को। सो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स हो गया है मेरा यहाँ पे। सो लाइक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है अभी तक का मेरा वेस्टीज में। बहुत ही अच्छा लगा है कि मेरे लास्ट सेशन में भी मैंने बोला है कि यहाँ पे लाइक इतना सेल्फ मोटिवेटेड लीडर्स है जो कि लाइक वेस्टीज को एज ए करियर लेके काम कर रहे। इतना इवन दीपांशी, सिर्फ दीपांशी को मैं यहाँ पे देख पाई हूँ। लाइक जब फोन पे बात की तो बोल रही थी कि आप मैम मैं आपसे मिली हूँ ऑफिस में, आप पहचानती हो मुझे, तो अभी लाइक सी से प्रिटी गर्ल ब्रांच में आती मिलती रहती हूँ उसे। सो अभी कभी भूलूंगी नहीं मैं अभी दीपांशी को। थैंक यू मैम, राइट? सो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, लाइक जो यंग जनरेशन है, बाकी सब तो अच्छे से काम कर ही रहे, जो यंग जनरेशन है वो मेल हो या फीमेल हो, लड़की या लड़का, मुझे मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ ऑफिस में बैठे बैठे कि ये लोग इतना लाइक सीरियसली इतना अच्छा से काम कर रहे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे, राइट? सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी कि बेस्टी ज्वाइन करने से पहले मैं लाइक कहाँ पे काम करती थी या फिर कितने साल के लिए मैं लाइक मेरा एक्सपीरियंस है। सो बिफोर कमिंग टू वेस्टीज आई वॉज वर्किंग विद एवॉन ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल एवॉन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में थी। उसके बाद मैं मार्कस फावेकर के एक ब्रांड है, वो भी फ्रांस से ही है, जो प्रीमियम स्किन केयर और परफ्यूम से डील करते हैं वो लोग। सो वहाँ पे भी मैं 1 ईयर काम की हूँ। उसके बाद मेरा ये थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टीज। मैं आज यही बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि मैं ये देख के आई हूँ मेरे करियर में, 11 ईयर्स के करियर में, कि कॉस्मेटिक्स का क्या इम्पैक्ट है आज के दिन में। लाइक जैसे थोड़ा दिन पहले हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, ये एक बहुत खुशखबरी हर किसी को हमें मिल चुका है कि ग्लोबली वी आर एट 30 रैंक नाउ। बेस्टीज इज द ओनली इंडियन कंपनी है जो कि पूरे वर्ल्ड में 30 रैंक पे आए हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बीच में, राइट? ये बहुत ही लाइक प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। सो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी तक हेल्थ सप्लीमेंट में, फिर एग्री बोलिए, फिर लाइक होम केयर बोलिए, उस सब सेगमेंट में बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों ने, अभी तक करते आए हैं या फिर करते जाएंगे, राइट? हमारे सबका ये कंट्रीब्यूशन है जिसके वजह से हम लोग नंबर 30 रैंक पे लाइक आए हैं। सबका ही कंट्रीब्यूशन है, हम सब ने मिलके ये हार्डवर्क किया है जिसका हमें ये रिजल्ट मिला है। अभी मैं आप लोग को थोड़ा बताऊंगी कि थोड़ा अभी आप लोग अपना फोकस अगर मिस्टर ऑफ मिलान पे दे या फिर SF9 पे दे तो लाइक कैसे आप लोग बिजनेस बढ़ा सकते हो, अपना क्या स्कोप है, राइट? सो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि मेरा 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस में कॉस्मेटिक्स कंपनी में ही थी। सो मैंने ये देखा है लास्ट इलेवन ईयर्स में कि कैसे ग्रो कर रहे और आज के दिन में कॉस्मेटिक्स का क्या डिमांड है मार्केट में। सो पहले क्या होता था, कॉस्मेटिक्स को एज ए लग्जरी माना जाता था, लोग इसको लाइक नीड प्रोडक्ट्स में काउंट नहीं करते थे। अगर किसी को लाइक वांट, जैसे नीड और वांट के बीच में डिफरेंस है ना, सो पहले हम लोग इसको नीड लाइक एसेंशियल में नहीं मानते थे कॉस्मेटिक्स को, राइट? लेकिन आजकल दुनिया चेंज हो गया है, अलग है आजकल का दुनिया, राइट? आजकल लाइक किसी भी लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि आप लोग हर कोई जैसे ब्रांच आते हो रेडी होके, या फिर नए प्रोस्पेक्ट्स को मिलने जाते हो, या फिर अपना ग्रुप मीटिंग या छोटा मीटिंग, बड़ा मीटिंग, बहुत सारे मीटिंग्स आप लोग करते रहते हो, तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग वेल ग्रूम्ड होके जाए, खुद को रेडी करके जाए, राइट? सो जब आप लोग खुद के काम के लिए निकलोगे और आप जब अच्छा से रेडी होके जाओगे, तो उस टाइम पे आप लोग को अलग ही एक कॉन्फिडेंस, अलग ही एक लाइक एक अलग ही एक फीलिंग आता है कि कॉन्फिडेंस अगर लेवल बढ़ता है तो लाइक आप लोगों के लिए इजी हो जाता है कि सामने वालों से लाइक आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, राइट? सिर्फ यही नहीं, आजकल हर किसी सेक्टर में लाइक ये कंपटीशन का दिन है, राइट? कोई इंटरव्यू के लिए गया या फिर कोई काम के लिए, हर किसी को लाइक खुद को मेंटेन करके जाना, लाइक खुद को सुंदर से लाइक सज धज के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दिन में, राइट? इवन अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं तो लाइक हमारे जो सबके हमारे फेवरेट हीरोज होते हैं, हीरोइंस होते हैं,
सो कभी आप लोग देखा होगा कि वो लोग विदाउट मेकअप कैसे देखते हैं और विथ मेकअप कैसे देखते हैं. सो विथ मेकअप से स्क्रीन पे आते हैं तो हम लोग को ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक ज्यादा लाइक पसंद होते हैं उस टाइम पे. सो मेकअप ऐसा एक चीज है जो कि लाइक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट? लाइक अलग ही एक ट्रांसफॉर्मेशन लाके, लाइक अलग ही एक चेंज ला सकते हैं, राइट? सो हमारे पास वेस्टीज में क्या है कॉस्मेटिक्स के लिए या फिर कलर कॉस्मेटिक्स के लिए क्या है? सो आप लोग को लाइक हर कोई अवेयर है मिस्टेल ऑफ मिलान के बारे में, आप लोगों ने सुना है, ब्रोशर देखा है, राइट? सो मिस्टेल ऑफ मिलान का क्या मतलब है, मैं आज आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताना चाहूंगी. मिस्टेल का मतलब है लाइक मैं उस दिन भी ट्रेनिंग में बोली थी, फिलहाल हमारे लाइक नॉर्थ ईस्ट में असम में ऐसा एक सिचुएशन है, लाइक एवरीडे स्टॉर्म आ रहे हैं यहाँ पे, राइट? सो ये वन काइंड ऑफ, ये जो स्टॉर्म है ये वन काइंड ऑफ मिस्टेल ही है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसका निगेटिव इम्पेक्ट हो रहा है. लेकिन इसका जो ओरिजिनल लाइक मीनिंग है, जो मिस्टेल एक बहुत तेज हवा है जो कि साउदर्न फ्रांस में आते हैं, कि ये बहुत ही तेज हवा है जो आके सडनली लाइक जो भी निगेटिविटी होता है, जो भी गंदगी होता है, उसको एक साथ साफ करके निकल जाते हैं और बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब छोड़ के जाते हैं. ये हो गया मिस्टेल का मीनिंग, जो कि साउदर्न फ्रांस में ये हवा आती है, ये विंड जो है ये ब्लो होती है, जहाँ की सडनली मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को लाइक जो भी ब्रांड आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके मीनिंग या फिर उसके बारे में आप लोगों को पता हो. सो मिस्टेल हो गया लाइक एक सडन हवा, एक तेज हवा का झोंका जो कि पूरे निगेटिविटी को लेके जाता है और एक पॉजिटिव वाइब छोड़ के जाता है. सो अगर इसको मैं कॉस्मेटिक्स के साथ रिलेट करूँ, दैट मीन्स मिस्टेल का मीनिंग है एक इमीडिएट चेंज, दैट मीन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अलग सडनली एक अलग एक लुक, राइट? और मिलान का मतलब है मिलान, आप लोगों ने सुना ही होगा मिलान इटली का एक सिटी है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैशन हब माना जाते हैं, पूरे दुनिया भर में लाइक मिलान फेमस है उसके लाइक फैशन के लिए, राइट? सो मैंने उस दिन भी बोला था, सो मिलान का और एक लिंक है हमारे साथ, सो वो मैं मेरे प्रेजेंटेशन के बीच में बोलूंगी. सो फिलहाल आप लोग को थोड़ा आइडिया हो गया होगा अभी तक कि मिस्टेल ऑफ मिलान का क्या है और मिस्टेल ऑफ मिलान के थ्रू से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? चलिए अभी देखते हैं हमारे पास क्या क्या है. ओके, सो हमारे यहाँ पे मिस्टेल ऑफ मिलान में चार अलग अलग कैटेगरी है. एक हो गया लिप्स, सेकंड हो गया फेस, आईज और नेल्स. आज हम ये चार कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे. सो हमारे पास लिप्स है, फेस है, आईज है और नेल्स है. सो शुरू करते हैं अभी लिप कैटेगरी से. सो लिप कैटेगरी बोलने से हम लोगों को वही समझ में आता है, लिप कैटेगरी, लिप का कलर, दैट मीन्स लिपस्टिक. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी जो किसी को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि लिपस्टिक सिर्फ एक ही लाइक तरफ का नहीं होता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिपस्टिक, जैसे हमारे पास क्रीमी है, ग्लॉस है, मैट है और लिक्विड है. सिर्फ लिपस्टिक सिर्फ एक तरह का ही नहीं होता है, अलग अलग होता है. क्योंकि यहाँ पे और एक अपॉर्चुनिटी में जैसे आप लोग को बताना चाहूंगी कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि थ्रू कॉस्मेटिक्स आप लोग कैसे आगे जा सकती हो, क्योंकि वेस्टीज का जो सक्सेस प्लान है, आप लोग लाइक बिलीव मी, दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस प्लान लाइक वी हैव. दूसरा कोई कंपनी का इतना बढ़िया सक्सेस प्लान नहीं है, क्योंकि आप लोग को जो भी पीवी मिलता है लाइक बिजनेस करके जो भी पीवी आप लोग अर्न करते हो, वो आप लोग का लाइफ टाइम के लिए होता है. लेकिन दूसरा जो कंपटीशन मार्केट है, उन लोग का ऐसा नहीं होता है, उन लोग का लाइक एवरी मंथ जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. सो ये बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है आप लोगों के लिए, जो कि पीवी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है. सो अगेन लाइक यू हैव द बेस्ट लाइक अर्निंग प्लान, सबसे बढ़िया अर्निंग प्लान आप लोगों के पास है, प्लस बढ़िया प्रोडक्ट्स है. यहाँ पे जैसे अभी मैं लिप कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ कि आप लोग को हमारे पास मिस्टेल के पास क्रीमी है, ग्लॉस है, मैट है, लिक्विड है, दैट मीन्स अलग अलग तरह के वैरायटी है हमारे पास, जो कि हम लोग कस्टमर जैसे चाहे वैसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? सो अभी क्रीमी, ग्लॉस और मैट, लिक्विड जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है, इसके बारे में हम लोग
बात करेंगे, राइट। जो पहला लिपस्टिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो लिपस्टिक है क्रीमी मैट लिपस्टिक, राइट। क्रीमी मैट लिपस्टिक मतलब एक ऐसा लिपस्टिक है जो आपको मैट लुक देगा। मैट मतलब जैसे अभी गर्मी स्टार्ट हो गया, समर स्टार्ट हो गया, सो ड्यूरिंग समर गर्मी के टाइम पे अगर आप लोग थोड़ा शाइनी वाला लिपस्टिक लगाते हो, लिपवेयर लगाते हो, तो वो इतना लाइक एक इतना अच्छा लुक नहीं भी दे सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग समर लोग ऑलरेडी थोड़ा लाइक स्वेटिंग होता रहता है, तो ऑलरेडी फेस में एक शाइनी शाइनी पहले से हुआ होता है, तो फेस के साथ अगर आप वो शाइनी के साथ अलग से एक लिपस्टिक भी वहां पे शाइनी वाला लगाए तो इतना अच्छा नहीं भी दिख सकता है। सो ड्यूरिंग समर बहुत सारे लोग मैट ही प्रिफर करते हैं, मैट लिपस्टिक ही पसंद करते हैं, और जो कि कंफर्टेबल भी है और अच्छा भी लुक देता है। सो हमारे पास जो क्रीमी मैट लिपस्टिक है ये मैट भी है, एट द सेम टाइम क्रीमी भी है। सो क्रीमी आपको क्या फायदा देगा, जैसे बाकी कंपनीज में क्या होता है, मैट लिपस्टिक तो है और मैट लुक भी देते हैं, लेकिन वो टाइम पे मैट लुक देने के चक्कर में वो लोग लाइक ओवर ड्राई करा देते हैं लिप को, हमारे जो होंठ है उसको ड्राई करा देते हैं, जो कि हमारे लाइक शरीर के लिए ठीक नहीं है। सो क्रीमी मैट लिपस्टिक से हमारा क्या फायदा है, यह मैट लुक देगा, साथ ही साथ क्रीमी मतलब हमारे लिप्स को, हमारे होंठ को मॉइस्ट भी करके रखेगा। यहाँ पे विटामिन ई है और शिया बटर है जो कि डीप मॉइस्चराइजिंग का काम करते हैं, राइट। और इसके साथ और एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है, वो है SPF 15 है इस लिपस्टिक में। दैट मीन्स जैसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ मेरे ट्रेनिंग्स में कि सन से बचना कितना इम्पोर्टेंट है, लाइक सन इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर अस। सन इज लाइक सन का जो रे है, धूप से जो लाइक रे आता है उससे हमें बहुत ही लाइक नुकसान पहुंचता है, और उससे बचने के लिए हमेशा हमें SPF वाला प्रोडक्ट यूज करना बहुत ही जरूरी है। सो हमारे जो क्रीमी मैट लिपस्टिक है यहाँ पे SPF 15 है, ये अगेन दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो बहुत सारे लाइक कंपटीशन मार्केट में नहीं होता है, राइट। और यहाँ पे इंटेंस कलर है, लाइक अच्छा बढ़िया एक कवरेज देगा आपको, अच्छा कलर देगा, राइट। और 30 शेड्स है, ये भी बहुत ही लाइक मुझे तो बहुत ही खुशी होता है जब मैं ये सब लाइक आप लोगों के पास, आप लोगों को बोलती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ कि हमारे पास इतने सारे इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स है जो लाइक क्रीमी और मैट एक साथ प्लस 30 शेड्स, लाइक ज्यादा शेड्स मतलब हम लोग ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, ज्यादा कस्टमर, लाइक आजकल कस्टमर का डिमांड बहुत ही अलग अलग होता है, लाइक किसी को ये चाहिए, किसी को लाइक ऑपोजिट ही कलर चाहिए, सो सबका अलग अलग डिमांड होता है। सो हमारे पास ज्यादा शेड्स है, दैट मीन्स हम लोग ज्यादा कस्टमर्स को रीच कर पाएंगे या फिर लाइक अप्रोच कर पाएंगे, राइट। फिर इस प्रोडक्ट में जो डीपी है वो 360 है और जो पीवी है 12 है। सो यहाँ पे और एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगी जो मैं थोड़ा देर पहले करना चाह रही थी। सो जैसे मैंने बोला कि थ्रू कॉस्मेटिक्स हम लोग अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, राइट, या फिर कितना अपॉर्चुनिटी है, कितना सुविधा है हमारे पास कि हम लोगों के पास जाए और हमारे लाइक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। सो यहाँ पे लाइक एक तो हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ मेकअप, ये समझना बहुत लाइक जरूरी है आप लोगों के लिए कि मेकअप इम्पोर्टेंट है कि नहीं, कि मेकअप क्यों करना चाहिए लोगों को। जैसे मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में आप लोगों को बताया कि क्यों जरूरी है, राइट, क्योंकि मेकअप भी ऐसा चीज है जो हमारे जो फ्लॉस है उसको हाइड करते हैं और हमारे ब्यूटी को एनहेंस करते हैं। एट द सेम टाइम आप लोग जब हमारे प्रोडक्ट्स लेके कस्टमर्स के पास जाएंगे तो आप लोगों के पास एक लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हमारे प्रोडक्ट्स बेटर है, लोग दूसरा प्रोडक्ट से, दूसरा ब्रांड से हमारे प्रोडक्ट में क्यों स्विच करें, दूसरा प्रोडक्ट छोड़ के मिस्टर ऑफ मिलान या फिर वेस्टीज क्यों यूज करें, राइट। ये क्वेश्चंस बहुत सारे को लाइक मिल सकता है, बहुत सारे को पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। सो हमारे कुछ कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स है, कुछ कुछ खासियत है जिसके वजह से हमारे प्रोडक्ट्स बाकी लाइक प्रोडक्ट से अलग है, बेटर है, राइट। फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया हमारे प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री है, दैट मीन्स पैराबिन का मतलब है पैराबिन इज ए काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव, लाइक किसी भी चीज को हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग टाइम अच्छा करके रखने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये समझाती हूँ लोगों की कि
हम लोग जब घर में अचार बनाते हैं तो अचार को लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए हम लोग विनेगर डालते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल गर्म करके डालते हैं ताकि वो हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सके. सो वो भी एक तरह का लाइक पैराबिन ही है. सो बहुत सारे दूसरे कंपनीज क्या करते हैं, बहुत लाइक केमिकल डालते हैं एज ए पैराबिन प्रोडक्ट्स को लाइक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ठीक करके रखने के लिए. लेकिन लाइक उसी पैराबिन से हमारे शरीर को हानि होने का बहुत ही चांस होता है. उसी पैराबिन से हमारे लाइक पूरे लाइक ऐसे कुछ लाइक केमिकल होते हैं उस सब में जो कि हमारे लाइक शरीर को लाइक हानि पहुंचा सकते हैं, राइट. लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसा पैराबिन नहीं है, पैराबिन फ्री है. सो इस टाइम पे और एक लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पैराबिन फ्री है तो हमारे प्रोडक्ट्स कैसे लंबे टाइम तक अच्छे बन के रहते हैं, कि कैसे ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, राइट. सो यहाँ पे ये है कि आप लोग ये ध्यान में रखिए और लोगों को बताइए, हमारे जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे नेचुरल पैराबिन है. नेचुरल मतलब आप लोग को समझ में आया होगा, जो कि लाइक हार्मफुल नहीं है. ये आप लोग विदाउट एनी लाइक डाउट आप लोग ये यूज कर सकते हो. यहाँ पे कोई केमिकल वाला पैराबिन यूज किया गया नहीं है, सिर्फ नेचुरल वाला यूज किया गया है. सेकेंड पॉइंट हो गया, जैसे ये 100% क्रुएल्टी फ्री है. दूसरे बहुत सारे कंपनीज है जो एनिमल के ऊपर टेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही लाइक खराब है, राइट. ये एक तरफ का क्राइम है. लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये 100% क्रुएल्टी फ्री है. अगेन आवर प्रोडक्ट्स आर हलाल सर्टिफाइड. हलाल सर्टिफाइड मतलब हमारे प्रोडक्ट्स पे किसी भी तरह का एनिमल फैट नहीं यूज किया गया है. ये कम्प्लीटली वेगन प्रोडक्ट्स है, राइट. सो ये कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, स्पेशल बातें हैं जिसके वजह से हमारे मिसेल ऑफ मिलान वेस्टिस के प्रोडक्ट्स बाकी प्रोडक्ट्सों से, बाकी दूसरे कंपनी से बेटर बनाते हैं. सो ये सब सारी बातें आप लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है ताकि आप लोग ये बातें लोगों को ज्यादातर लाइक समझा सके या फिर लोगों तक पहुंचा सके, राइट. सो हमने ऑलरेडी क्रीमी मैट लिपस्टिक के बारे में बात कर लिया. अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है लिप कैटेगरी में, राइट. जस्ट अ सेकंड. सो नेक्स्ट जो लिप कैटेगरी है वो है स्टारलाइट लिपस्टिक. सो मैं पहले भी बोली हूँ, जब मैं पहले वैसे ज्वाइन करके ब्रांच गई थी, सो जब भी मैं मिसेल ऑफ मिलान केबिन में घुसती थी, हर किसी के मुंह में वो स्टारलाइट के बारे में मैं सुनती थी कि स्टारलाइट लिपस्टिक बहुत ही बढ़िया है, सुंदर है. सो लाइक यहाँ गुवाहाटी में तो सुनी बाकी मेरे जो ब्यूटी ट्रेनर्स है उन लोगों से भी बहुत सारे लाइक इसके डिमांड के बारे में बताया. वो लोग लाइक मेल के ऊपर मेल मुझे लिखते थे कि मैम ये चाहिए वो चाहिए. सो लाइक स्टारलाइट लिपस्टिक इज वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव इन मिसेल ऑफ मिलान. ये बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक है जो कि आपको क्या क्या में हेल्प करता है, जैसे लॉन्गर स्टे है, रिच पिगमेंट है और हाई शाइन है. सो जैसे जो लोग लिपस्टिक्स लगाते हैं उन लोग के बहुत ये डिमांड होता है कि मुझे बहुत देर तक रहने वाला लिपस्टिक चाहिए. जैसे बहुत सारा का ऐसा होता है, कंप्लेन आता है कि मैं लिपस्टिक लगाती हूँ लेकिन थोड़ा देर के बाद गायब हो जाता है, लाइक रहता ही नहीं मेरे लाइक होंठ पे लिपस्टिक रहता ही नहीं. सो वैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमारे जो स्टारलाइट लिपस्टिक है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये लिपस्टिक बहुत लंबा टाइम के लिए रहता है. और रिच पिगमेंट मतलब कभी कभी कोई कोई लिपस्टिक होता है जो कि अच्छा से कलर नहीं बैठता है, बहुत बार लाइक अप्लाई करते रहिए लेकिन कलर ठीक से आता नहीं है. लेकिन हमारे ये जो स्टारलाइट लिपस्टिक है ये रिच पिगमेंट है, दैट मीन्स आप अगर एक दो बार अगर स्ट्रोक भी लगाए तो उससे भी बढ़िया कलर, सुंदर सा कलर आ जाता है. और ये हाई शाइन है, अच्छा एक यहाँ से शाइनिंग एक सुंदर एक शाइन आता रहेगा. सो हमारे जो स्टारलाइट लिपस्टिक है इसके जो डीपी है वो 480 है और पीवी है 16, राइट. और हमारे स्टारलाइट लिपस्टिक में 8 अलग अलग शेड्स है, 8 डिफरेंट शेड्स, ठीक है. सो नेक्स्ट लिपस्टिक है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है ड्यूअल टोन लिपस्टिक. सो ड्यूअल टोन लिपस्टिक इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ये बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है. जैसे आजकल जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि दो अलग अलग कलर को मिक्स करके लगाते हैं, लाइक ट्राई करते हैं, इवन मैं भी करती हूँ कभी कभी, लाइक दो कलर मिक्स करके एक अलग ही सुंदर एक कलर निकलता है.
लेकिन यहाँ पे जो एडवांटेज है हमारे मिसल ऑफ मिलान बेस्ट इसमें ये रेडीमेड है, जहाँ की दो शेड्स मिक्स करके लाइक दो पार्ट अलग अलग है और एक लिपस्टिक में है. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, ये मार्केट में इसका बहुत डिमांड होता है. राइट, सो अगेन ये बहुत लाइक लॉन्ग स्टे है, क्रीमी फिनिश है, फिर इंटेंस कलर है इसमें और बहुत अच्छा कवरेज देता है ये लिपस्टिक. सो ड्यूअल टोन लिपस्टिक अगेन हमारे पास 6 अलग अलग 6 अलग अलग शेड्स में है और इसका डीपी प्राइस है 525 और पीवी है 17.50. सो आप लोग, मैं थोड़ा देर से आप लोग को पीवी बता रही हूँ, डीपी भी बता रही हूँ, तो आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा कि मिसल ऑफ मिलान के प्रोडक्ट्स में डीपी सॉरी पीवी काफी हाई है. सो आप लोगों का लाइक पीवी इंक्रीज करने का बहुत ही बढ़िया लाइक चांस है मिसल में. राइट, सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है लिप चाबी. सो लिप चाबी लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल्स होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि लिप चाबी में ये सिर्फ कलर ही नहीं, इसमें अलग एक लिप बाम का भी लाइक एडवांटेज मिलेगा. जैसे बहुत सारे लोगों का ये हैबिट होता है कि बीच बीच वो लोग लिप बाम कैरी करते हैं अपने बैग में, फिर जब बाहर निकलते हैं तो बीच बीच में उसको अप्लाई करते रहते. सो लिप चाबी इज अ वेरी गुड फॉर लाइक स्मूथ लिप, आपके लिप को ये लाइक होठ को स्मूथ करके रखेगा लाइक मॉइस्चराइजर, उसके साथ ही साथ लाइक अच्छा सुंदर कलर भी देगा. सो हमारे पास लिप चाबी में 6 अलग अलग शेड्स है और ये भी बहुत ही लाइक बढ़िया प्रोडक्ट है जो लोगों को काफी पसंद आते हैं, स्पेशली द यंग गर्ल्स. सो लिप चाबी का जो डीपी प्राइस है वो है 450 और पीवी है 15. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिक्विड लिपस्टिक. सो मैं वैसी ज्वाइन करके ही फर्स्ट यही लिपस्टिक है जिसको मैं ट्राई की थी और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है. लाइक मुझे बहुत ही लगे, मेरा पर्सनल फेवरेट है. अभी मैं फिर बाद में जब घर से मैं रेडी होती थी ऑफिस आने के लिए, मैं घर में बाकी सब अप्लाई करती थी लेकिन लिप्स को खाली ही रखती थी क्योंकि मुझे ऑफिस जाके ये लगाना होता था. तो लिक्विड लिपस्टिक से ही मैंने शुरू किया था. सो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि लाइक लॉन्ग स्टे है. मैं सुबह जाके ऑफिस में लाइक 11 बजे लगाती थी और शाम तक ये रहता है. सो बहुत ही लाइक अमेजिंग प्रोडक्ट है जो कि 8 to 10 hours का कवरेज देता है. और एक एडवांटेज यहाँ पे क्या है, जैसे काफी सारे दूसरे ब्रांड होता है जो लिक्विड लिपस्टिक में बहुत स्टिकीनेस होता है, बहुत लाइक एक हैवी एक फील होता है लिक्विड लिपस्टिक लगाने के बाद. लेकिन हमारा जो मिसल ऑफ मिलान का वेस्टेज का जो लिक्विड लिपस्टिक है ये नॉन स्टिकी है. लाइक ये लगाने से आपको हैवी फील नहीं होगा. और अगेन ये लॉन्ग स्टे के बारे में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ और कलर भी बहुत ही बढ़िया कलर्स है. सो हमारे पास 24 अलग अलग कलर्स है लिक्विड लिपस्टिक में. राइट, सो यहाँ लिक्विड लिपस्टिक का जो डीपी है वो है 560 और पीवी है 18.67. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है लिप ग्लॉस. लिप ग्लॉस भी लाइक बहुत ही आजकल लोगों को पसंद आता है, डिमांड में है. सो हमारे पास जो लिप ग्लॉस है ये 15 अलग अलग शेड्स में अलग अलग कलर्स में आते हैं, जो कि बहुत ही लाइट वेट है, फिर बहुत ही लाइक सॉफ्ट है, सिल्की है और अगेन फॉर लिप्स इट्स वेरी लाइक मॉइस्चराइज्ड करके रखते हैं होठों को. सो ये भी बहुत ही लाइक बढ़िया प्रोडक्ट्स है जो हमारे पास है. और जो लिप ग्लॉस है इसका जो डीपी है 305 है और जो पीवी है वो है 10.17. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने लिप कैटेगरी के बारे में बात कर लिया है. जैसे आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया है कि हमारे पास कितने लाइक सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स है और ह्यूज है, हमारे पास बहुत सारे है. सो इसका हमेशा ये याद रखिए, हमारे पास बहुत है, दैट मीन्स हमारे पास चांसेस भी ज्यादा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताए. जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि लाइक पीवी भी कितना हाई है मिसल के प्रोडक्ट्स का, पीवी भी काफी हाई है. सो आप लोग बहुत जल्दी अपना पीवी अर्न कर सकते हो थ्रू मिसल ऑफ मिलान लिपस्टिक्स, जो आप लोग लाइक सो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए. अभी हम लोग लॉकडाउन है घर के अंदर,
फिर भी जैसे हम लोग, हर कोई, मुझे पता है कि हर कोई आप लोग ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो थ्रू जूम के हेल्प से. सो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो भी लाइक अभी बहुत सारे मिसेल के वीडियोस बन रहे हैं, या फिर आप लोग के पास पीडीएफ होगा मिसेल का, या फिर बहुत सारे लाइक पोस्टर्स सर्कुलेट हो रहा है, वो सब अपने कस्टमर्स को भेजिए, नए प्रोस्पेक्ट्स को भेजिए. जो भी हमारा लाइक स्पेशल जो भी खासियत है हमारे प्रोडक्ट्स के, उसके बारे में बात कीजिए, ताकि लॉकडाउन जब भी खत्म हो, ताकि आपका लाइक बिजनेस ना रुके, लाइक और भी स्ट्रांगली आप लोग लाइक अपना शुरू कर सके, वापस आ सके. तो अभी आप लोग बेस पूरा बना के रखिए, अभी से लाइक लोगों से बात करके रखिए कि एक बार लॉकडाउन खत्म होते ही, ताकि आप लोग का लाइक बिजनेस आना शुरू हो जाए. राइट right? अभी हम लोग बात करेंगे फेस कैटेगरी में. तो अभी देखते हैं हमारे पास फेस के लिए क्या क्या है. सो फेस कैटेगरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमेशा जब भी आप लोग फेस कैटेगरी के लिए मेकअप प्रोडक्ट्स चूज करते हो, लाइक करते होंगे, उस टाइम पे आप लोग को अपना स्किन टोन ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है. स्किन टोन मीन्स स्किन का कलर. जैसे हर किसी का स्किन टोन अलग अलग होता है, कोई कोई थोड़ा फेयर होता है, कोई कोई बहुत ज्यादा ही फेयर होता है, कोई कोई थोड़ा डस्की होता है, किसी किसी का मीडियम कम्प्लेक्शन होता है. राइट. सो फेस कैटेगरी में मैं स्टार्टिंग में जो लाइक पहला वाला हमारा प्रोडक्ट है वो है फाउंडेशन. राइट. सो फाउंडेशन के बारे में मैं शुरू कर रही हूँ. जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन आप लोग को चूज करना है प्रोडक्ट. सो हमारे जो फाउंडेशन है मिसेल ऑफ मिलान के, ये लाइक अगेन बिग बिग अपॉर्चुनिटी, फिर से बहुत बढ़िया एक सुविधा है कि हमारे पास चार अलग अलग शेड्स है. सो आप लोग लाइक बिलीव मी, दूसरों के पास ऐसा नहीं है, मैक्सिमम मैंने तीन या दो तक ही देखा है. सो हमारे पास बेस्टीज में मिसेल ऑफ मिलान में चार शेड्स है, जो कि लाइक अगेन मैं बोलूंगी कि दैट मीन्स हम लोग ज्यादा कस्टमर के साथ कस्टमर्स के पास जा सकते हैं. राइट. और हमारे जो फाउंडेशन है वो SPF 30 है. मैं फिर से बोलूंगी कि SPF बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइक स्किन के लिए. सो ये जो फाउंडेशन है ये आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर भी देगा, और एट द सेम टाइम इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है. That means, आपका जो एजिंग प्रोसेस है उसको लाइक रोकने का भी क्षमता है इस प्रोडक्ट में. सो और एक बार मैं बोलूंगी, अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फाउंडेशन डेली यूज का प्रोडक्ट नहीं है. मैं अगर बर्थडे पार्टी में जाती हूँ या फिर मैरिज पार्टी में जाती हूँ तभी लगाना चाहिए. सो वो बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. फाउंडेशन आप लोग एवरी डे यूज कर सकते हो. एवरी डे, ये डेली यूज का प्रोडक्ट है. इवन जैसे सन प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है. सो बहुत सारे लोगों को लाइक अलग से SPF लोशन या फिर SPF क्रीम यूज करना अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं. सो जैसे SPF बहुत ही इंपॉर्टेंट है. विदाउट SPF आप लोग कभी बाहर जाने का सोचे भी मत. लाइक ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे स्किन को सबसे ज्यादा हानि सन ही पहुंचता है, ये धूप ही पहुंचता है. एजिंग और बर्निंग का प्रॉब्लम होता है हमें. UVA एंड UVB का जो रे है उससे एजिंग और बर्निंग का प्रॉब्लम होता है. तो उससे बचने के लिए हम लोग कभी भी विदाउट SPF अप्लाई किए बाहर जा ही नहीं सकते, जाना ही नहीं चाहिए हमें. सो उस टाइम पे अगर किसी को SPF लोशन या फिर क्रीम अगर पसंद नहीं है तो वो जो हमारे जो फाउंडेशन है ये लगा के बाहर निकल सकते हो, या फिर लगाना ही चाहिए. मैं तो बोलूंगी कि लगाना ही चाहिए. और ये प्रोडक्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल है, लाइक लड़के लोग भी इसको अप्लाई करके बाहर जा सकते हो. राइट. और एक बात, जैसे मैंने उस दिन भी मेरे ट्रेनिंग में बोली थी, अगर किसी को फाउंडेशन ऐसे लगाना अगर ज्यादा पसंद नहीं है तो आप लोग जो भी मॉइस्चराइजर या फिर जो भी डे क्रीम आप लगाते हो उसके साथ ही मिक्स करके लगा सकते हो. राइट. सो फाउंडेशन डेली यूज का प्रोडक्ट है और ये लाइक मेकअप का बेस है. लाइक बहुत ही अच्छा शाइन देता है. और हमारे जो ये मिस्टेल का जो फाउंडेशन है ये तो लाइक नेचुरल वो है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा अलग फाउंडेशन होता है जो बहुत ही अलग कलर कर देता है. और उसका भी रीजन है क्योंकि एक फाउंडेशन ही होता है जिसको हर तरह का स्किन टोन यूज करते होंगे. राइट. जैसे मार्केट में एक ही फाउंडेशन मिलता है और उसी एक फाउंडेशन को
हर कोई, किसी का 10 की भी हो सकता है, किसी का फेयर भी हो सकता है, किसी का मीडियम कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, हर कोई यूज कर रहा है. सो उसमें लाइक इसीलिए वो नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है कि लाइक सबका अलग अलग होता है और अकॉर्डिंगली हमें चूज करना है. सो जैसे हमारा जो फाउंडेशन है, मैंने ऑलरेडी बताया, 4 अलग शेप में है, SPF 30 है प्लस यहाँ पे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है. और हमारे जो DP है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 433 है और PV है 14, राइट. इसके साथ और एक स्पेशल प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगी, वो है कंसीलर. कंसीलर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है. अगर किसी के फेस में हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर किसी भी तरह का एक्ने या फिर पिंपल्स का मार्क है या फिर अंडर आई डार्क सर्कल है और बाकी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है फेस में जो डायरेक्टली दिखाई देते हैं, तो उसको हाइड करने के लिए, उसको सील करने के लिए हमें कंसीलर यूज करना बहुत ही जरूरी है, राइट. सो हमारे जो कंसीलर है ये, इसका DP प्राइस है 500 और इसका PV है 16.67, ठीक है. ओके, हमने अभी फाउंडेशन और कंसीलर के बारे में बात कर लिया फेस कैटेगरी में. अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर. सो अगेन कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ पे भी, ये भी हमारे अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन हमें यूज करना चाहिए. और जो हमारे पास कॉम्पैक्ट है वो 4 अलग अलग शेड्स में आते हैं, राइट. और ये जो हमारे कॉम्पैक्ट है ये जैसे हमें SPF भी देते हैं, लाइक बेनिफिट्स में बता रहे हैं आप लोगों को, सन से भी बचाने का इसमें क्षमता है, SPF है इसमें, सन प्रोटेक्शन फैक्टर है यहाँ पे, विटामिन ई है जो कि हमारे स्किन को सॉफ्ट करके रखते हैं. और ये हमें बाकी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, बाकी जो धूल मिट्टी जो पोल्यूशन है, उससे भी हमें बचा के रखते हैं, राइट. और एक यहाँ कॉम्पैक्ट पाउडर का और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है, जो हम लोग फाउंडेशन लगाते हैं उसको लॉक करके लाइक लंबा टाइम के लिए रहने के लिए, लाइक कॉम्पैक्ट उसे अगर फाउंडेशन के ऊपर हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं तो उसको फाउंडेशन को लॉक कर देता है, सील कर देता है. सो यहाँ पे मैं और एक बात लाइक मेंशन करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग कॉम्पैक्ट पाउडर को रगड़ते रहते हैं फेस पे. सो वैसे नहीं लगाना है हमें, जस्ट इसको जो स्पंज है इसका वो लेके या फिर जो ब्रश है वो लेके फेस में डैप करना है, ठीक है. सो यूज भी जानना बहुत ही जरूरी है. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रोडक्ट है. ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ब्लश अप. सो ये भी मैं जब फर्स्ट मिस्ट्रेल ज्वाइन की थी, वेस्टीज ज्वाइन की थी, सो ये भी मैं सरप्राइज हो गई थी कि ब्लश अप है ये भी 5 सेज है. सो अगेन बिलीव मी, दूसरों के पास नहीं होता है लाइक पांचों ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम 2-3 ही होता है. सो अगेन यू हैव लाइक बिगर अपॉर्चुनिटी देन अदर्स. हमारे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है. सो लाइक हम लोग बहुत सारे कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, राइट. सो ये ब्लश अप जो क्या करता है, लाइक हमें यंगर लुक देते ही देते हैं. लाइक ब्लश अप हम लोग ब्लश ऑन जब पुट करते हैं तो हमारे लाइक यंग दिखना शुरू हो जाते हैं. और ये जो प्रोडक्ट है हमारे, ये बहुत ही लाइट वेट है. इसके साथ ही साथ और एक हेल्प करता है हमें ब्लश अप, अगर आपका फेस अगर राउंड है उसको अगर आप थोड़ा ओवल शेप देना चाहते हो तो थ्रू ब्लश अप आप अपना लुक चेंज कर सकते हो. ब्लश अप के मदद से आप अगर आपका राउंड है उसको आप ओवल बना सकते हो. अगर आपका ओवल लुक है लाइक फेस का जो शेप है अगर वो ओवल है तो आप उसको, अगर आप राउंड फेस दिखाना चाहते हो, राउंड लुक लाना चाहते हो, तो इसके हेल्प से आप लोग कर सकते हो. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, राइट. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने लिप कैटेगरी पे बात कर लिया, फिर फेस कैटेगरी पे बात कर लिया. सो नेक्स्ट अभी हम लोग बात करने जा रहे, स्टार्ट करने जा रहे आई कैटेगरी पे. चलिए देखते हैं क्या क्या है आई कैटेगरी में. ओके, सो आई कैटेगरी का जो प्रोडक्ट्स है वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप लोगों के पास अगर पेन एंड पेपर है तो लिख भी सकते हो, आप लोग नोट भी कर सकते हो कि हमारे जो आई रिलेटेड प्रोडक्ट्स है मिस्ट्रेल में, वेस्टीज में, वो सारे के सारे ऑप्थल्मोलॉजिस्ट टेस्टेड है. ऑप्थल्मोलॉजिस्ट मतलब वो लोग मेडिसिन एक्सपर्ट्स होते हैं
जो कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, आई रिलेटेड डिजीज को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, राइट। सो हमारे जितने प्रोडक्ट्स है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ने टेस्ट किया है और अप्रूव किया है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स 100% सेफ है। दैट मीन्स ये लगाने से हमें किसी भी तरह का इरिटेशन या फिर लाइक किसी भी तरह का इचिंग या फिर कभी कभी लाइक किसी किसी आंख में जलन या फिर थोड़ा लाल लाल हो जाते हैं, सो वो सारे प्रॉब्लम्स हमें नहीं होंगे, राइट। सो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास आंखों के लिए। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है वाटरप्रूफ लिक्विड आईलाइनर। ओके, सो लिक्विड आईलाइनर जैसे सबका ही फेवरेट होता है, सबके पास होता ही है लिक्विड आईलाइनर, लेकिन हमारे जो मिस्टेल के आईलाइनर है वो वाटरप्रूफ है। दैट मीन्स ये लगाने के बाद अगर आपको लाइक कहीं जाके अगर आप शादी अटेंड कर रहे हो या फिर कोई ब्राइड भी इसको यूज कर रहे हैं, अगर रोते भी होंगे तो ये नहीं निकलेंगे। जैसे लड़कियों का आजकल ये है कि बहुत सारे जैसे फ्रेंड्स का भी हो या फिर सिस्टर का भी हो, शादी होने से वो लोग मेकअप करने के टाइम पे बोलते हैं कि लाइक मुझे आज तो रोना नहीं है, अगर मैं रोऊंगी तो मेरा आई मेकअप खराब हो जाएंगे, राइट। सो लाइक सो अगेन यहाँ पे हमारे पास बहुत ही स्कोप है ज्यादा कस्टमर्स मिलने के लिए, क्योंकि हमारे जो आईलाइनर है वो वाटरप्रूफ है और ये रिच मैट है, रिच मैट ब्लैक। दैट मीन्स इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। सो और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बोल दूं कि जैसे हम लोग मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो हमेशा याद रखिए विदाउट आई मेकअप कोई भी मेकअप कंप्लीट नहीं होता है। सो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप एक कंप्लीट लुक देना चाहते हो तो आई मेकअप करना बहुत ही जरूरी है। बिना आई मेकअप के आपके मेकअप कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। सो आई मेकअप बहुत ही जरूरी है, राइट। सो हम लोगों ने ऑलरेडी लिक्विड आईलाइनर के बारे में बात कर लिया, जो कि स्मच रेजिस्टेंट भी है। स्मच रेजिस्टेंट मीन्स ये स्प्रेड नहीं होता है, राइट। सो हमारे जो लिक्विड आईलाइनर है इसका जो डीपी है वो 325 है और पीवी है 10.83। सो अगेन नेक्स्ट जो आई प्रोडक्ट है वो है ट्रू डिफेंस आईलाइनर पेंसिल। सो आईलाइनर पेंसिल के बारे में मैं जैसे बोलती हूँ कि अगर कोई बिगिनर है, कोई लर्नर है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लाइक अच्छे से काजल या फिर आईलाइनर लगाना नहीं आता है, लाइक अलग अलग एक आंख में अलग हो गया, दूसरा आंख में अलग हो गया, और किसी किसी को होता है कि मुझे बहुत क्विक रेडी होना है, टाइम नहीं होता है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाती हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए लाइक आईलाइनर पेंसिल बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही हेल्प होते हैं, क्योंकि ये पेंसिल जैसा होता है सो इससे लाइक लगाना इजी होता है और जल्दी होता है, राइट। और ये बहुत ही सुपर स्मूथ प्रोडक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, अगेन ये भी हमारा वाटर रेजिस्टेंट ही है, और इस प्रोडक्ट में हमारा डीपी है 250 और पीवी है 8.33। सो हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है आई के लिए वो है अगेन आई रूल आईलाइनर पेन। सो ये भी मैं फिर से वही बोलूंगी कि लाइक बिगिनर के लिए अच्छा होता है या फिर सब सबके लिए अच्छा है, सिर्फ मैं अपने तरफ से एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कि पेन या फिर पेंसिल होने से लोगों को सुविधा होता है यूज करने के लिए। सो अगेन जो आईलाइनर पेन है ये बहुत ही क्विक ड्राइंग है, अगेन स्मच प्रूफ है जो कि स्प्रेड नहीं होता है। सो इसका जो डीपी है 190 है और पीवी 6.33। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है आई के लिए वो है डीप डिफाइंड काजल। सो काजल जैसे हर किसी का फेवरेट है, जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि काजल लाइक सदियों से चल रहा है इंडियन ट्रेडिशन पे, बहुत पहले से लाइक काजल हर कोई लगाते हैं। सो हमारे पास काजल है जो कि बहुत ही बढ़िया है, एक्सट्रीम ब्लैक है, सुपर स्मूथ है और बहुत ही बढ़िया लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं हम इससे, राइट। और हमारे जो काजल है लाइक इसका जो डीपी है 250 और पीवी सॉरी इसका डीपी है 190 और पीवी है 6.33। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो अगेन आंखों के लिए हमारे पास कलर्ड डीप डिफाइन काजल है। जैसे लाइक मैंने पहले भी बोला था जमाना बदल गया है, लाइक बहुत अलग ही दिन है अभी। पहले लोग सिर्फ ब्लैक ही पसंद करते थे, काला ही पसंद करते हैं, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आजकल लोगों को लाइक डिफरेंट कलर चाहिए, वाइब्रेंट कलर चाहिए। सो हमारे पास पांच अलग अलग कलर के भी काजल है, लाइक ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है। सो लाइक जो भी यंगस्टर्स होते हैं वो लोग बहुत ही अलग अलग
आई लुक क्रिएट करते हैं डिफरेंट कलर्स के, सो हमारे पास वो भी है राइट. सो जो भी डीप काजल, कलर्ड काजल हमारे पास, वो भी अगेन बहुत सुपर स्मूथ है, लाइक मल्टीपर्पज है. जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि डिफरेंट लुक आप लोग क्रिएट कर सकते हो इसको, एज ए आई शेडो भी आप लोग यूज कर सकते हो, एज ए आई लाइनर भी यूज करते हो, एज ए काजल भी यूज कर सकते हो राइट. सो हमारे जो कलर काजल है इसका जो डीपी है 235 है और पीवी है 7.83. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो कि मेरे बहुत ही लाइक फेवरेट प्रोडक्ट है, वो है मस्कारा. सो यहाँ पे फिर से मैं और एक बार बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बोल रही थी कि विदाउट आई मेकअप हमारे मेकअप कंप्लीट नहीं होते हैं, सो वैसे ही विदाउट मस्कारा हमारे आई मेकअप कंप्लीट नहीं होते हैं. सो मस्कारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपके लाइक जो आई लुक को एनहेंस करने के लिए, आई लुक को और भी सुंदर लुक देने के लिए, और भी सुंदर दिखने के लिए मस्कारा बहुत ही जरूरी है. सो हमारे पास जो मस्कारा है वो बहुत ही हाई डेफिनेशन है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और वॉल्यूमनाइजिंग है. वॉल्यूम लाइक जैसे हम लोग आई लैशेज पे लगाते हैं मस्कारा, सो ये मस्कारा अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारे जो आई लेसेस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा दिखाई देगा. सो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है जिसका डीपी प्राइस है 550 और पीवी है 18.33. सो अगेन नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर अस, हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है आई के लिए, वो है आई शेडो. सो अगेन आई शेडो लाइक ये भी मैं देख के लाइक बहुत ही लाइक खुश हो गई थी. जैसे लाइक आई शेडो हमारे पास 5 अलग अलग है. सो फिर से मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि लाइक दूसरों के पास नहीं होता है, मैक्सिमम 2 या 3 ही होता है. सो आप लोग बहुत ही लकी हो, हमारे वेस्टिजियंस बहुत ही लकी है जो आप लोगों के पास 5 अलग अलग कलर की, एक बॉक्स में जैसे 3 कलर होते ही होते हैं. सो आपके पास अगेन 5 × 3 दैट मीन्स 15 डिफरेंट कलर्स यू आर हैविंग. आप लोग के पास 15 अलग अलग कलर्स है. सो अगेन आप लोग के पास इतना सुविधा कि मैं और भी कस्टमर्स के पास जाऊँ और भी बताऊँ लोगों को राइट. हमेशा याद रखिए आपके पास प्रोडक्ट अगर वेरिएंट ज्यादा है दैट मीन्स यू हैव लाइक ह्यूज स्कोप, ज्यादा कस्टमर्स मिलने के लिए भी, ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए भी चांस है राइट. सो हमारे पास बहुत ही स्मूथ टेक्सचर के जो कि लगाने के लिए बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही लाइक रिच कलर है जो लाइक लुमिनस फिनिश लाइक अच्छा एक बढ़िया एक शाइनिंग देता रहेगा. सो बहुत ही बढ़िया आई शेडोज है 5 अलग अलग जिनके डीपी है 525 और पीवी है 17.50. ओके सो अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया, जैसे लिप का कवर कर लिया, फेस कर लिया और आई का भी कर लिया. अभी नेक्स्ट है नेल कैटेगरी. चलिए देखते हैं नेल्स के लिए क्या क्या है हमारे पास. सो जैसे नेल्स बोलते शायद बहुत सारे लोग खुश हो गए क्योंकि लाइक नेल पेंट सबको ही पसंद होता है, सबका फेवरेट है नेल पेंट्स, हर कोई लगाते हैं. सो हमारे पास जो लाइक नेल पेंट्स है वो है जैसे अल्ट्रा स्टे नेल लिकर जो कि 40+ लाइक बहुत सारे कलर्स है. जैसे आजकल लाइक लोगों का ये ट्रेंड है कि लाइक 10 फिंगर्स है हमारे पास और चारों 10 फिंगर्स में हम लोग अलग अलग कलर्स लगाते हैं, लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं राइट. सो हमारे जो नेल पेंट्स है वो बहुत ही बढ़िया लाइक हाई शाइन है, बहुत सुंदर शाइनिंग देता है. जैसे नेल पेंट्स अगर डल होते हैं तो बहुत खराब दिखते हैं. सो हमारे जो नेल पेंट्स है वो बहुत ही बढ़िया शाइन है, हाई शाइन है, चीप रेजिस्टेंट है डेट मीन्स ये फटेगा नहीं. लाइक चीप रेजिस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे नेल पेंट्स लगाने से कभी कभी जो सामने का जो नेल्स का जो सामने का पार्ट होता है वो बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन हमारे ये नेल पेंट में वो नहीं होगा. चीप रेजिस्टेंट है और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है. अगर आप लोग 2 कोट अप्लाई करते हो, 2 बार अप्लाई करते हो तो ये बहुत दिन तक चलेगा, जो सबको वही चाहिए. ओके सो अनदर मैजिकल प्रोडक्ट, ये सचमुच ही मैजिकल प्रोडक्ट है, बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक कॉमन प्रोडक्ट ही जैसे हर दिन हम लोग सुनते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, लेकिन हमारे पास जो है मिसेल के पास जो है वेस्टीज के जो पास जो है वो अलग ही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मैजिकल है. इसका यूज करने का तरीका ये एक डिब्बा में होता है जिसके अंदर में स्पॉन्ज होते हैं.
सो वो स्पॉन्ज में हमारे नेल को डीप करके उसको ट्विस्ट करके रिमूव करने से जो भी लाइक एग्जिस्टिंग जो भी मुझे नेल पेन रिमूव करना है उससे मैं इजीली रिमूव कर सकती हूँ। ये बहुत ही अलग टेक्निक है हमारे पास जो कि किसी के पास नहीं है। ये बहुत ही सुंदर सचमुच ही ये मैजिकल प्रोडक्ट है। इसमें विटामिन ई है इस नेल रिमूवर में जो कि हमारे नेल्स के कंडीशनिंग के भी काम करते हैं। दैट मीन्स कंडीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक नाखूनों को भी लाइक नेल्स को भी खाना देना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे विटामिन ई है प्लस ये एस्टोन फ्री है। ओके सो जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है हमारे प्रोडक्ट्स क्यों दूसरों प्रोडक्ट से बेटर है, क्यों स्पेशल है। सो ये पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है, फिर 100% क्रुएल्टी फ्री है, प्लस हलाल सर्टिफाइड है, राइट। सो चलिए अभी बात करते हैं जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स है। सो आप लोग को याद होगा शायद मैं थोड़ा देर पहले बोल रही थी कि मिसेल ऑफ मिलान, मिलान का और भी एक लिंक है। सो अभी मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि हमारे पास एक एनकोरोटी करके मैन्युफैक्चरर है जो कि लाइक बहुत ही लाइक रिनाउंड लाइक ग्लोबली बहुत ही लाइक पहचाना जाना ये मैन्युफैक्चरर है जिनको लाइक ऑलरेडी बहुत सारा अवार्ड्स मिल चुका है। लाइक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का लाइक उन लोगों के पास है, लाइक अवार्ड है जो लाइक सबको नहीं मिलता है। सो ये जो एनकोरोटी है ये लाइक मिलान से है, इटली से है। सो इसीलिए लाइक वो जो मैं लिंक आप लोग को बताना चाहती थी, सो वेस्टिस ने लाइक डायरेक्टली एनकोरोटी के साथ टाई अप किया है। सो वो लोग भी लाइक बोल सकते हैं कि लाइक हमारे लाइक सिस्टर कंसर्न है, राइट। सो एनकोटी हमें सप्लाई करते हैं लिपस्टिक्स, फिर काजल सप्लाई करते हैं, फिर कंसीलर, फिर आई शेडो और कॉम्पैक्ट पाउडर। ये चीजें एनकोटी हमें हमारे लिए बनाते हैं, राइट। फिर हमारे पास रेकरले करके भी एक रेकरले कॉस्मेटिक्स करके है जो कि ज्यादातर हमारे आई रिलेटेड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर फिर अगेन फियाविला करके एक मैन्युफैक्चरर है जो कि हमारे सारे नेल पेंट्स बनाते हैं हमारे लिए। और फियाविला पूरे दुनिया में बहुत ही फेमस है फॉर लाइक नेल पेंट्स बनाने के लिए। सो ये सारे हमारे मैन्युफैक्चरर्स है जो हमारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाते हैं। और लाइक ये बहुत ही लाइक जरूरी भी है आप लोग को जानना कि कौन है जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। ओके सो मिसेल ऑफ मिलान के थ्रू से हम लोग का ये कोशिश लाइक पहले से भी हम लोग करते आए हैं या फिर अभी कर भी रहे या फिर आगे भी करते जाएंगे कि मिसेल ऑफ मिलान के थ्रू से हम लोग ये कोशिश कर रहे कि हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को एम्पावर करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के पास हम लोग पहुंचे, उन लोग को सपोर्ट करें, हेल्प करें ज्यादा से ज्यादा, लाइक थ्रू बिजनेस कैसे उन लोग को हेल्प कर पाऊं, राइट। सो लास्ट टू इयर्स से हमारे यही कोशिश जारी है कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट भी किया है। बहुत सारे ऐसे हम लोग मिसेल ऑफ मिलान के थ्रू से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम या फिर इवेंट्स करते हैं जहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ महिलाओं को हम लोग इन्वाइट करते हैं और उन लोग का जो भी हार्डवर्क है, जो भी डेडिकेशन है उनके लिए, उन लोगों को लाइक रिकॉग्नाइज किया जाता है बहुत सारे लोगों के सामने। जैसे ऑलरेडी अभी फ्रॉम लास्ट टू इयर्स हम लोगों ने 25 से ज्यादा सिटीज में ये प्रोग्राम किया है जहाँ पे लाइक थाउजेंड लोग आते हैं और जहाँ पे सबके सामने हमारे महिलाओं ने जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी लाइक डेडिकेटेडली काम किया है उन लोगों के लिए, उन लोगों को सराहा जाता है, लाइक उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। हम लोग भी अभी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे गुवाहाटी में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी ये प्रोग्राम हम लोग करें। एक बार ही ये लॉकडाउन लिफ्ट हो जाए तो हम लोग लाइक मैंने जैसे भी पहले भी बोला था कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ सबके बीच में आके लाइक काम करने के लिए। लाइक हम लोग मिलके, हर कोई मिलके इवेंट करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, राइट। सो ऑलरेडी हम लोग कर भी लाइक पहले से करके भी आए हैं, लाइक बहुत सारे सिटीज में हम लोग मिसेल ऑफ मिलान के थ्रू से बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी दी है। डिफरेंट के ट्रेनिंग्स जैसे मेकअप रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, राइट।
सो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम लोग फिर से शुरू करेंगे करना. जैसे मैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोग को शेयर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. अगर मिस्टर ऑफ मिलान और SF9 रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे रीच कर सकते हो. कोई भी अगर आप लोग को एक्टिविटी करना है मीटिंग करना है आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझे. सो मेरा नंबर है 7002650170 राइट. सो आज के लिए मेरा इतना ही था. मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग जो भी ट्रेनिंग अटेंड करते हो सो ये आप लोग का वैल्यूएबल टाइम है जो कि आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो. सो मेरा यही कोशिश रहता है कि आप लोग ट्रेनिंग के एंड पे कुछ तो नया सीखे और वो नया सीख के आप लोग कुछ तो अपने उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ तो अलग से कुछ कर पाए या फिर अपने काम में अपने बिजनेस में ग्रोथ ला पाए. सो यही मेरा कोशिश है. सो अच्छा लगा. आई वुड लाइक टू थैंक निर्वाणा ग्रुप के वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ और बात करूँ. सो फिलहाल आज के लिए इतना.